अब रुख करते हैं राजस्थान की खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा झारखंड दौरे पर पहुंचे, इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं राजस्थान की उस माटी से आया हूं जहां महाराणा प्रताप का स्वर शक्ति और भक्ति की धरती, मीराबाई की धरती और ऐसी पर्यावरण के लिए अपने आप को न्योछावर करने वाली अमृता देवी की धरती, महाराजा सूरजमल की धरती, मैं भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आया हूँ। सबसे पहले मैं इस झारखंड की धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं माँ भद्रकाली को नमन करता हूँ, इस जनसभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का अभिनंदन भी करता हूं और निश्चित रूप से मैं यहाँ इस धरती पर आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस भी कर रहा हूं, क्योंकि यह वो धरती है, इसमें आजादी से लेकर के आजादी से पहले यहाँ के लोगों का जो योगदान रहा है। यहाँ के लोगों ने आजादी के रण क्षेत्र में इस देश को आजादी में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मैं नीलांबर और पीतांबर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कोष कार्यालय बांसवाड़ा में करोड़ों का स्टाम्प घोटाला सामने आया है। कोषाधिकारी ने जब इसकी जांच की तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कोषाधिकारी ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। मामले में विभाग के कर्मचारी और वेंडर के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत ने आदेश जारी कर कार्मिक को निलंबित भी कर दिया है। पाली के रामपुरा के अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर अचानक पलट गया है। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होने से कई घायल भी हुए हैं। पाली में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। यह हादसा गुड़ा इंदला थाना क्षेत्र के रामपुरा की ढाणी के पास एक टैंकर अचानक अनियंत्रित होने से हुआ है, जिससे टैंकर का ड्राइवर जिंदा ही कैबिन में जल गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, जिससे यह टैंकर पलट गया। मृतक की पहचान अजमेर के मसूदा निवासी 35 साल के आमिर खान के तौर पर की गई है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देशभर में आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते रायसिंह नगर में भी एक मजदूर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले पूर्व विधायक कामरेड योगेंद्रनाथ हांडा को श्रद्धांजलि दी गई। विजयनगर तिराहे पर स्थित हांडा चौक पर कामरेड योगेंद्रनाथ हांडा के बेटे डॉक्टर गोपाल कृष्ण हांडा ने मजदूर को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पिता ने जिस तरह मजदूरों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, वैसे ही वो मजदूरों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने सभी मजदूर दिवस की बधाई दी है सभी को। इस मौके पर मजदूरों के हकों के लिए एकता का संकल्प भी लिया। बूंदी शहर के नैनवा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में अचानक आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति जिंदा जल गया। मृतक अपनी दो पोतियों की शादी में शामिल होने के लिए आया था। यह हृदय विदारक घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। घटना के दौरान बुजुर्ग टेंट में बने अस्थायी रूम में अन्य लोगों के साथ सो रहा था।
इस बीच अचानक आग लग गई। आनंद फानंद में लोग तो बाहर निकल आए लेकिन 65 वर्षीय लाल मोहम्मद अंदर ही रह गए। ऐसे में आग की जद में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पता नहीं क्या फट रहा है, एसी फट रहे हैं। तो सेनाई रिसोर्ट है दिल्ली में, इसमें दो बच्चियों की शादी के संबंध में जो परिजन हैं वो यहाँ आए हुए थे और रात में रुके हुए थे। कमरों के अलावा यहाँ टेंट में भी अलग से व्यवस्था थी रुकने की, जिसमें करीब 6 टेंट दो दिशाओं में बने हुए, 3 टेंट एक तरफ है, 3 टेंट दूसरी तरफ है, जिसमें परिजन सो रहे थे। और सुबह के समय एसी के शॉर्ट सर्किट से एक आग लगी है उसमें, और आग लगने से जो बुजुर्ग थे 75 वर्षीय वो बाहर नहीं निकल पाए उस टेंट से, और उसमें आग से झुलस गए, जिनकी इसमें इस घटना में दुखद घटना में मृत्यु हो गई है। पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात और महिला सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया है। सुरक्षा सम्मान के तहत मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया है। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि इस जागरूकता रैली का उद्देश्य है कि हम कार्रवाई करने से पहले लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वे नियम के अनुसार ही गाड़ी चलाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और ट्रैफिक बत्ती का उपयोग करें। इस मामले में हम एक तो यातायात सुरक्षा हेतु एक इंटेंसिव कैंपेन शुरू कर रहा है, तो उसके पहले एक बार जागरूक करने के लिए, पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि आपको यातायात का नियमों का पूरा पालना करना है, और साथ साथ हमारे यातायात कर्मियों को ये बताया गया है कि एक बार सारे जगहों पे, सारे मोहल्लों में, सारे एरियाज में जाके बता दीजिए कि ट्रैफिक का नियमों को पालना करना है। नशा करके गाड़ी चलाना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। रोड लाइट्स जहाँ है उसका पालना करना है। सुगम यातायात का कोई भी प्रतिबंध हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। अब खबर अलवर से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्र कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मुझे विधायक बनने का अवसर मिले तो मैं सबसे पहले जाति आरक्षण खत्म करूंगा। योगेश मिश्र के बयान के पर बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मी नारायण ने ट्विटर पर यह पोस्ट डाली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस मामले में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का कहना है कि 8 से 10 साल पहले आज से हम ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में राजगढ़ गए थे, तब का वीडियो है। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विटर पर डाल रही हैं। देखिए, ये सारा बीजेपी द्वारा हैक, एक तरीके से जो एडिट करके बनाते हैं ना, इस तरीके का बयान है। बीजेपी के जो नेता जी ने डाला है ट्विटर पर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने, वो खुद जाति आरक्षण के खिलाफ है। हमने आज से 8 साल पहले राजगढ़ में एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में कोई भाषण दिया था, उसमें से कोई क्लिप तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किए। मैं कभी जाति आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा। हाँ, EWS का आरक्षण की हमने मांग की थी, जो हमको निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने वो दे दिया, और EWS को सवर्ण को भी उन्होंने आरक्षण दिया है, और हम पूरे कांग्रेस जन जाति आरक्षण के पक्ष में है। और ये नरेंद्र मोदी, इनके ये अंधभक्त चाहे कितना ही तोड़ मरोड़ कर ले, इनकी बातें जनता जान चुकी है कि ये अगर पावर में आए तो आरक्षण को खत्म करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।